ईरान ने इसराइल के खिलाफ फिर बयानबाजी की है। ईरान सेना के कमांडर ने कहा है कि यदि इसराइल ने कोई पागलपन किया तो एक ही दिन में उनका नामो निशान मिटा देंगे। ईरानी रिपब्लिक की सेना के कमांडर सईद अब्दुल रहीम मुसीफ ने कहा कि ईरान सेना सभी टुकड़ी किसी भी ऐसे हमले के लिए तैयार है और ईरानी सेना देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। जनरल अब्दुल रहीम मुसीफ ने कहा है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के लिए खतरा बना रहा है, लेकिन फिर भी ईरान चट्टान की तरह डटा रहेगा और एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। फोर ईरानी सेना के कमांडर का दावा है कि उनके देश की ताकत को दुनिया नहीं जानती है। अब हम फक्र सेना के कमांडर का दावा है कि उनके देश की ताकत को दुनिया नहीं जानती है। अब हम एक शक्ति बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारे दुश्मन भी मानते हैं इस्लामी रिपब्लिक एक ईरानी शक्ति बन चुका है। सीरिया में गृह युद्ध के बाद ईरान और रूस भी हो गए हैं। जहाँ अमेरिकी सीरिया में सऊदी अरब को समर्थन दे रहा था, लेकिन रूस के आक्रामक रूप अमेरिका की चुप्पी ने रूस का मिडिल ईस्ट दखल बढ़ावा दिया है कि जो कभी अमेरिका का करीबी रहा है वो भी अब रूस नजदीकी बढ़ा रहा है। इसका बड़ा कारण एर्दोगन के खिलाफ बगावत होने पश्चिमी देशों की भूमिका थी। वर्तमान हालत में ईरान कितना भी मजबूत हो, लेकिन इसराइल की आधुनिक हथियार से लैस सेना को एक दिन में खत्म करने के दावे में सच्चाई कितनी है कहना मुश्किल है। रिपोर्ट पल पल न्यूज़।